हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा रिजर्व सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज हमारे पास पेशेंट है 68 ईयर ओल्ड, नागपुर से हमारे पास आए हैं मिस्टर रियाजुद्दीन। और इनको प्रॉब्लम ये है कि पिछले 8 महीने से इनको कमर में दर्द शुरू हुआ, और कमर का दर्द अब इनको लेफ्ट पैर में जाता, राइट में ज्यादा जा रहा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, है ना, राइट में ज्यादा जा रहा है। तो इन्होंने घर में, वैसे तो ये अभी कुछ काम कर नहीं रहे, घर पे रहते हैं, बिकॉज ही सीनियर सिटीजन 68 ईयर ओल्ड हैं। और इन्होंने घर पे 8 से 8-9 महीने पहले कुछ काम कर किया था, वजन उठाया, उसकी वजह से इनको तकलीफ स्टार्ट हुई। अदरवाइज ये कम्प्लीटली एक्टिवली अपना सब काम करते थे, आप बता रहे थे मुझे नमाज वगैरह सब पढ़ता था। इनको कमर में दर्द शुरू हुआ, पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपना काम एक्टिविटी करते रहे, और कुछ महीनों से बिल्कुल ही झुक के चल रहे हैं। जैसे कि आप साइड में क्लिप में देख सकते हो, वीडियो हमारी चल रही है, जब ये मेरे चैम्बर में एंटर कर रहे हैं, मैं इनको इंजेक्शन के लेके आ रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ही झुक के चल रहा है, बिल्कुल झुक के चल रहे हैं। दर्द कहाँ से कहाँ तक रहता है? कमर से लेके पैर तक, कमर से लेके पूरे पैर तक दर्द रहता है। और कितने महीनों से दर्द है आपको? 8 महीने। नजदीक आ रहे हो? 8 महीने। 8 महीने से दर्द हो रहा है आपको, पैरों में झंझनाहट, बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हो? आपने एक इंजेक्शन भी कमर में लिया है? कमर लिया, उससे आप कह रहे थे कि थोड़ा रिलीफ आया था कि आप चल पा रहे हो ना? थोड़ा सा आराम हुआ उससे। अभी जैसे चलते हो झुक के ही चलते हो? झुक के ही चल रहे हैं, अदरवाइज दिक्कत रहती है? दिक्कत रहती है, अगर थोड़ा सा सीधा हो जाऊंगा गिर जाऊंगा, थोड़ा सा सीधा होते ही आप गिर जाओगे। सो आई हैव एग्जामिन्ड हिम थोरोली, एंड इनको पूरी की पूरी स्पाइन पे, लोअर लिम में काफी ज्यादा दर्द है, टेंडरनेस L2 L3 L4 L5 हर जगह पे टेंडरनेस है। इनकी L5 S1 ऑलरेडी पुराने समय से ही, बिकॉज एज की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाती है, और साथ में इनको रेडिकुलोपैथी है टू बोथ लोअर लिम। तो आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर β1-2-3 ऑन बोथ साइड, एंड उसके अलावा हम इनको टाउ ब्लॉक्स में भी जाएंगे, और फिर देखते हैं कि 30 मिनट्स में 40 मिनट्स में कैसे क्या इनको रिलीफ आता है, वेदर स्ट्रेट हो रहे नहीं हो रहे हैं, इंप्रूवमेंट कितनी हमें आ रही। अभी इनकी कंडीशन ऐसी है कि टर्निंग इन बेड इज वेरी डिफिकल्ट, चल नहीं पा रहे हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो कैसे झुक के बिल्कुल ये चल रहे हैं, जब इनकी एक्टिविटी काफी अफेक्टेड हो गई है। हमने इनको बायलेटरल β1-2-3 लगा दिया, नाउ आई एम गोइंग फॉर टाउ ब्लॉक्स। यहाँ भी दर्द रहता है? तो आज हमारे जो पेशेंट हैं नागपुर से, मिस्टर रियाजुद्दीन, इनको हमने β1-2-3 लगाया है, और साथ में हमने टाउ ब्लॉक्स लगाए हैं। अब हम 20-30 मिनट्स में देखते हैं कि क्या इनकी स्पाज़म वगैरह कितना कम हो रहा है, मूवमेंट्स में क्या आ रहा है, जो बेंडिंग करके चल रहे हैं उसमें क्या इनको इम्प्रूवमेंट आ रही है। सो आज जो हमारे पेशेंट है रियाजुद्दीन सर, ये नागपुर से हैं, और अभी मैंने इनको इंजेक्शन लगाया, और मैंने इनको DSCB β1-2-3 लगाया, और कमर में भी लगाया टाउ ब्लॉक। दर्द वगैरह कैसा है अभी आपको? अभी दर्द कम हुआ? मैंने पहले से दर्द में सुधार बता रहे हैं, एक बार बैठेंगे, एक बार बैठिए। जो पहले बिल्कुल मूवमेंट भी नहीं हो रही थी, मुड़ा भी नहीं जा रहा था, उसमें आराम नहीं पहले से, अभी आराम, एक बार चल के देखें नीचे उतारते हैं, तो दर्द में आराम बता रहे हैं पहले से, और थोड़ा इनको खड़ा करके देखते हैं कि कुछ पहले से कमर में कुछ सुधार है, सीधापन हो रहा है? सीधा हुआ, थोड़ा चल के देखो, पहले तो बिल्कुल ही कमर झुका के चलते थे, कोशिश करिए थोड़ा हल्का सीधा होने की। वेरी गुड। तो जब ये एंटर कर रहे थे तो आपने देखा है किस तरीके से बिल्कुल ही झुक के चलते थे, थोड़ा अभी पहले से बेटर लग रहा है, थोड़ा थोड़ा और सीधा होकर चलने की कोशिश करिए। ज्यादा दर्द होता है ऐसे? इधर दर्द आता है, खिंचाव होता है, कोई नहीं, आप घूम के देखिए, खिंचाव पीछे की तरफ भी जा रहा है? पीछे की तरफ नहीं है, वो आगे की तरफ है, बस ये आगे नहीं, इसमें यहाँ, वही इसमें यहाँ। दर्द में कितनी कमी लग रही है पहले से? बहुत कम हो गया, पहले से बहुत कम हो गया, इतना तो खड़ा भी नहीं होता था मैं, इतना खड़ा नहीं, तो 60-70% इम्प्रूवमेंट आ गया आपको, इतना खड़ा नहीं हो पा रहे थे बिल्कुल भी। चलो एक बार घूम के देखो, कितनी दूर चल पा रहे थे अभी? अब चल रहे हो, दर्द है कुछ? हाँ, पैर में आपका दर्द था, उतना ही दर्द है, उससे कम होने लगा है? नहीं, उसको उससे कम है, उससे कम होने लगा है दर्द आपको? वेरी गुड। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ थोड़ा ठीक हो जाएंगे? हो जाएंगे ठीक है। हाँ जी, पहले से जो मुड़ाव था वो कम हो गया, पहले तो बिल्कुल ही झुक के चल रहे थे, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक है, और चलना चाहते हो चल के देख लो, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है? जी,
पहले से दर्द काफी कम हो गया। सो ही 68 ईयर ओल्ड, ये 68 साल के, और इनको हमने DSCB बीटा 1-2-3 प्लस टाउ ब्लॉक लगाया। और देख रहे हैं जब ये शुरू में एंटर कर रहे हैं तो इतने ज्यादा दर्द से झुक के चल रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, और अभी इनको फर्स्ट इंजेक्शन के बाद ही 70% के आसपास इंप्रूवमेंट आई है। स्पाजम बहुत ज्यादा था ये, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट। सो फ्रेंड, DSCB इंजेक्शन से आप शियाटिका पेन, डिस्क प्रोलैप्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, कार्पल टनल सिंड्रोम, मस्कुलोस्केलेटल पेन, इन सारी कंडीशंस को हम पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। यंगर पेशेंट्स के अंदर मैं कहता हूँ कि 90% पेशेंट्स जिनके अंदर डिस्क प्रोलैप्स हो गई है या फिर उनको शियाटिका का पेन आ रहा है, उनको बिना किसी भी ऑपरेशन के मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ DSCB इंजेक्शन, जिससे हम पेन को मैनेज करेंगे, देन मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इन सारी चीज़ों को जब हम फॉलो करते हैं तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमारे पास मिलते हैं। अगर आपको ऐसी, आपके जानने वाले में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो तुरंत नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, अपना नंबर रजिस्टर्ड करिए, अपनी रिपोर्ट्स हमें भेजिए। हम मैं सारी MRI रिपोर्ट्स को खुद एनालिसिस करने के बाद, उनके वॉइस मैसेज को एनालिसिस करने के बाद हम आंसर देते हैं कि हम आपको इससे फायदा होगा या नहीं होगा। आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।